गिरिडीह में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एफसीआई सरिया के संवेदक रामजी पांडे के घर पर दबिश दी है। सीबीआई की टीम अभी कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे सीबीआई की टीम के संवेदक के घर पर दबिश दी है। के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज पीजी गोदाम, जो एफसीआई का पीजी गोदाम है, उसके संवेदक रामजी पांडे के आवास पर टीम ने दबिश दी थी। आप देख सकते हैं कागजातों को अपने साथ ले जाया जा रहा है। और अहले सुबह 6 से 6:30 बजे का वक्त था जब अधिकारी आए थे यहां पर, और ये अपने साथ में जरूरी दस्तावेज जो है उसको लेकर जा रहे हैं। जरूरी जो भी जाँच थे, जरूरी जो भी दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों को लेकर जो जाँच एजेंसी है वो रवाना हो रही है। लगातार जिस तरीके से जो पूर्व में मामले आए थे, भ्रष्टाचार के मामले, पीजी गोदाम में अनाज गड़बड़ी के मामले या काला बाजारी के मामले, संभवतः उनसे यह जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़रूरी कागजातों को जो है वो जब्त किया गया है। ज़रूरी कागजात और फाइलों को खंगालने के बाद अब सीबीआई की टीम यहां से रवाना हो रही है। यह इसी गाड़ी के माध्यम से सुबह 6 बजे रामजी पांडे के आवास पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी। और संभवतः यह जो मामला बताया जा रहा है, पूरा मामला या मामला काला बाजारी भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अब जांच के बाद ही यह पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। और यह जांच का दायरा कितना दूर तक बढ़ेगा, कौन कौन से लोग इसमें आगे इसकी जद में आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी दबिश, बड़ी कार्रवाई सीबीआई के द्वारा देखने को मिली है, जहाँ पर एफसीआई के पीजी गोदाम के संवेदक रामजी पांडे के आवास पर सुबह सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी। और अब से कुछ देर पहले यहां से सीबीआई की टीम रवाना हो चुकी है। अपने सहयोगी राहुल और केसु के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।